वो दोनों। अरे छिपकली, ये छिपकली कौन है? ये सब छोड़ो, मेरे नए दोस्त को देख के तुम लोगों की शक्ल में 12 बज गए। हमारी शक्ल छोड़ो, पहले उसको अपने शक्ल ही तो दिखाने बोलो। ऐसा काम ही क्यों करते है, शक्ल छुपानी पड़ रही है। शक्ल तेरे पापा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तू क्यों परेशान हो रही है? अरे पागल लड़की, मेरे पापा खुद इनसे परेशान है। तुम इन्हें जानती हो? हाँ मम्मी, टिफिन में रखा रसीले जलेबी खा लिया। हाँ अभी अभी मैं स्कूल में आऊँ मम्मी। गोलू तो आंटी को झूठ क्यों कह रहा? स्कूल में तो मैं और बल्ली है, तू तो पोचिंग की मैं। अरे भाई थोड़ी देर के लिए चुप रहो। अरे चाचा इन लोगों के मुंह पे दूध वाला केक छोड़ दो, ऐसा खाते पे लिख लेना। अरे नहीं नहीं मम्मी, वही बिजनेस के बारे में पढ़ रहे थे। गोलू 15 सेकंड है गेम स्टार्ट होने। अरे यार मम्मी 15 सेकंड है गेम स्टार्ट होने, मतलब जल्दी सर चलाएंगे, मैं रखता हूँ। एक बीमार दोता तुम लोगों को दो सुपारी चाहिए क्या? बिमल, ये बिमल क्या है? मैंने मेरे दोस्त का घर का नाम बिमल है। बिमल दोस्त का नाम बिमल? हसमत तेरे बारे में बात कर रहा है क्या? ओ थैंक्स, और मैंने सोचा तुम लोग बिमल गुटखा खाने की बात कर रहे हो। आंटी आपने गलत गेस किया है, गोलू तो करमचात खाता है। नहीं गोलू? हाँ मम्मी। घर भाई तूने ये क्या क्या दिया, तो पहले बचाया क्यों? बचाया कहाँ? अरे वो बिमल वाले भैया जो तुम्हें दो सुपारी देने की बात कर रहे थे, मेरी मम्मी उसके बात सुन ना ली, इसलिए तो तुम लोगों ने मारा। पागल है क्या? वो हमें दो सुपारी दे रहा था, हमें तो पूरा पैकेट चाहिए था। तुम लोगों को दुआ कर रहा था तुम लोगों को तो। अभी तो स्कूल का टाइम है ना, ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे ये तो यश कोलू है, तुम इन दोनों को जानते हो? हमारे ट्यूशन में ही तो पढ़ता है, उन लोगों से पंगा मत लेना। हाँ चल अब तो भूल रही है, तो प्रिंसिपल की बेटी के साथ है। रुक अब उन लोगों को मजा चखाती हूँ। घातो घातो मारो मारो। हे तुम लोग हाई स्कूल में पढ़ते हो ना? नहीं नहीं हम बॉयज स्कूल में पढ़ते, इंग्लिश भी नहीं आती। पर मैं विद्या के प्रेम में पढ़ता, मतलब विद्यालय में पढ़ता हूँ। बात हो गए बकवास, दो पैर के 12 बज रहे 12, ये स्कूल का टाइम है। हाँ तो तू इधर क्या कर रही है? मुझसे शाना नहीं, तो तुम्हें पता नहीं मेरे पापा कौन है? क्या तुझे पता है इसका पापा कौन है? मेरा नाम ए गोलू तेरी तो नहीं पता। तो हमें कैसे पता होगा? भाई शांत हो जा, इस वासुड़े बिल्ले की तरह बहुत मोटा लग रहा है, तेरे खाते पीते घर का है, इससे अपना होमवर्क करवाऊंगा, रख ही लेता हूँ। बहुत हो चुका, इस बात को मैं ज्यादा देर छुपा नहीं सकती, मेरे पापा प्रिंसिपल है। क्या तुम्हारा पापा प्रिंसिपल है? जाओ बाहर में जाओ, हमारे मोहल्ले में प्रिंसिपल नाम का कोई लड़का नहीं रहता। अरे प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल? ओ मैंने गलत बोला, हमारे स्कूल में कोई प्रिंसिपल नाम का कोई नहीं रहता। बाय द वे प्रिंसिपल है कौन? अरे क्या तुम्हें प्रिंसिपल को नहीं पता? अरे प्रिंसिपल वही है जो सुबह आके ताला खोलता है। अरे नहीं नहीं मुझे लगता है कि जो पानी वानी देता है ना वो है प्रिंसिपल। मेरे पापा को प्रिंसिपल से डायरेक्ट पियोन बना दिया। तुम लोग अपना बकवास बंद करोगे, जो टॉयलेट साफ करता है वो है प्रिंसिपल, ये भी आप बोलो। अबे तुम लोगों को पांडू के बारे में पता नहीं है, मतलब पांडू सर? पांडू सर ये कौन? वो पांडू की बात कर रहा है, डायरेक्ट बोलना। वो सब चोर टीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऐसे ही टहल रही थी। सब ठीक है टीना, एक बात बोलो। हाँ कहो। तुम मुझे पसंद तो नहीं करती ना? छी तुझे कौन पसंद करेगा, मतलब ऐसा सवाल क्यों? नहीं मैं किसी और लड़के को चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता था मेरे वजह से कोई अपने हाथ की नस काटे। तुम दिन में भी सपने देखने लगे? नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम लोग यहाँ हो लेकिन केश नहीं दिखाई दे रहा। नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब तुम तीनों हो तो केश भी यही होना चाहिए। उसे यहाँ पर क्यों लाएंगे? क्यों? क्या लाना चाहिए था? नहीं क्या? मेरा मतलब वो नहीं था। दोस्ती का मतलब स्वार्थ नहीं, साथ होता है। हमें पढ़ने में अच्छा नहीं लगता लेकिन उसे अच्छा लगता है, हमारे वजह से उसका लॉस नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम यहाँ उसे नहीं ला रहे। कितना केयर करते हो एक दूसरे का। बोलो ज्यादा ज्ञान मत दे, वो पढ़ेगा तभी हमारे नंबर आएंगे। हाँ भाई मैं यही करने वाला था, लोग कभी सुधरने वाले नहीं है। लोगों का इश्क मोहब्बत हो गया, मैंने तुम लोगों का फोटो ले लिया, अब मैं जाके इसको अपने पापा को दिखाऊं। तुमने हमारा फोटो लिया? अरे मैया भाई देखो मेरा शक्ल अच्छा से नहीं आ रहा है। लेना है तो थोड़े अच्छे तरीके से लो, और लेने के पहले बोलना होता है, मम्मी पापा ने नहीं सिखाई है। तो फोटो में अपने पापा को दिखाऊंगी ना, मेरे पापा तुम लोगों के मम्मी पापा को कॉल करेंगे, तब भी उनके साथ तुम मजाक ही करते हो। भाई बात में तो दम है। इस न्यूज के बाद ज्यादा से ज्यादा हमें बेल्टों से मार सकते हैं, टपका भी सकते हैं। भाई क्या कह रहा है? ज्यादा से ज्यादा भाई मैंने सोचा है मैं IIT और JEE क्लियर करूंगा, लगता है विद्या मुझे बुला रही है। चुपचाप बैठ यहाँ पर। लेकिन अगर तेरे पापा को पता चला कि तू डेली आके शाम को यहाँ पर सुट्टा पीती है तो? मैं नहीं पीती। तो हम भी कहाँ बंक मार रहे हैं? ये देखो एविडेंस। चल झूठी, मैं नहीं मानता। तू किस बस पे कह रहा है कि मैं सुट्टा पीती हूँ? अच्छा
हमने बर्बादी के पिक्चर अपने आंखों से देख लिया। क्या ये मैं नहीं हूँ, मतलब मैं ही फोटो एडिटर हूँ, तुम्हें पता है ना मैं सुट्टा नहीं पीती हूँ। लेकिन वो सिर्फ मुझे पता है ना, तेरे पापा को तो नहीं पता। मैं अपने पापा पे भरोसा करती हूँ, वो भी मेरे पे भरोसा करेंगे। बात में तो वजन है, मानेंगे तो। हाँ। इसके लिए एक मस्त गवाही चाहिए चाचा। अरे बेटा कितना बार बोला है तुम लोग स्कूल के बच्चों, तुम लोग को धीरे देना माना है कंट्रोल। अरे बाबा इन लड़कियों के सामने तो मैंने उसको मजाक उड़ा दिया। वो बेटा मैंने तो भूल ही गया तुम लोग तो सिगरेट पीते हो। क्या यार चाचा को बंद करो नहीं तो दारू पे आ जाएंगे। चाचा आपसे कुछ काम था। हाँ बेटे को हो क्या, अब इसके पापा को एक झूठ बात कह सकते हो कि डेली आके यहाँ पर सुट्टा पीती है। अरे बाप रे बाप, ये जुलूम मैं नहीं देख सकता। मुझे पक्का यकीन था। चाचा बेटा मैं आग बंद कर लूंगा, वैसे भी बोलना ही तो है। मैं आपको 50 रुपया दूंगी। बेटा आप क्या बताओ, धंधा बहुत मंदा चल रहा है। अच्छा 7 साल के एक्सपीरियंस में मैंने पहली बार लाइब्रेरी गया, और आपके लिए ये किताब बहुत मुश्किल से ढूंढ के लाया। आपको तो साइड वाले पनवारी को दे दूं। बेटा बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा पैसे मिल सकते हैं, लेकिन ये किताब मतलब मेरे दोस्ती कभी नहीं मिल सकते, इसलिए मैं अपने दोस्त के साइड में ही रहूंगा। अरे चाचा तब बता कौन किसको सॉरी कहेगा। सॉरी सॉरी मैंने कह दिया ना, वो प्लीज डिलीट कर दो। तुमने हमसे ऊंची आवाज में बात की और हमें फंसाने की भी कोशिश की। हमको एक चांस दे दे। हाँ हाँ क्या करना पड़ेगा। तो 2 धारा के तहत कोई भी एक सोशल मीडिया अकाउंट खोलो, वहाँ पे एक पोस्ट करो। दोस्तों बहुत दिनों से मैं तुम लोगों को कुछ कहना चाहता था। दोस्तों बहुत दिनों से मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहती थी। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मेरा नाम आज से छिपा है। पागल हो क्या, मैं ये सब क्यों लिखूंगी। अरे यार इंटरनेट मिले इसलिए इस टावर में बैठा साला 438 KB का पिक्चर पहुँच ही नहीं रहा है प्रिंसिपल को। मैंने पोस्ट कर दिया, मैंने पोस्ट कर दिया। डिलीट कर दे भाई सच्ची में। हाँ कर दे। शाम इसके पीछे क्या रहा है, क्या बताओ एकदम खंडर एकदम माम एक। बोलू तू कुत्ते की तरह क्यों हंस रहा है। आए पीछे देखो। मैंने तो तस्वीर बस पोस्ट किया था, मैंने तो पब्लिक किया ही नहीं। मैंने भी कहाँ डिलीट किया है, रिसाइकल बिन में पड़ा होगा। हाँ मैं तो भूल ही गई। डिलीट किया तो बताया क्यों, आपसे नहीं बताऊंगी। प्लीज प्लीज फोटो डिलीट कर दो। हम लोफर और हरामी टाइप के लड़के होते तो दूसरा चांस देंगे। वो तो तुम हो। क्या बोले, मतलब वो एक चांस दे सकते हैं तो तुम तो उनसे भी भले हो, तुम तो 2 चांस दोगे। हाथ में तो दम है, लेकिन गलत गेस किया तूने, हम उससे भी बड़े हरामी हैं। हमसे तो दूसरी चांस की उम्मीद मत कर। बाय बाय, अगले जन्म में मिलते हैं। बाय छिपकली। क्या तुम इन्हें जानती हो। हुआ तुम्हारे दोस्त को अपना चेहरा दिखाने वाला चेहरा। यश को ले तुम दो। आई गाना छिपकली थी। ये तो बड़ी गुंडी माफिक लड़की है। अरे प्रॉब्लम में इसका ही चेहरा आता है। अरे तुम लोग तो गलत समझ रहे हो, मैं तो यहाँ टहल रही थी। तो इसके साथ क्या कर रही है। एक्चुअली मैं इसकी नई फ्रेंड हूँ, इसका कोई दोस्त नहीं। ये कौन है। जिया अभी तो हम दोस्त बने। मुझे तो याद नहीं आ रहा, मैं तो बस अपना ट्यूशन जा रही थी। मैं जा रही हूँ। चुपचाप रुक यहाँ पर, मुंह पे ओवर एक्टिंग लिखा है। वैसे छिपकली तुझसे काम। छिपकली इतने टाइम से तुझे कह रहा था। ए अपन संभाल कर, मेरा नाम जिया है। जिया रुक, अभी एक पोस्ट करके योगी जी की तरह तेरा नाम परिवर्तन करता हूं। तुम लोग तो बुरा मान गए, तुम लोग मुझे छिपकली बोले या मगरमच्छ, मुझे इससे क्या। आई लव मगरमच्छ। जुली तेरे दोस्त को हेल्प चाहिए, वो किसी को ढूंढ रही है। उसका एविडेंस एक डायरी है, तो हमने बोला हमें दे दो। हां तो मैं क्या करूं। तू अपने दोस्त का भला सोच सकता है, मतलब तू समझा सकती है। मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या, मैं अपना काम खुद ही करूं। भाई पोस्ट हो रहा है। अरे रोही डायरी तो मांग रहे, दे दो। एक डायरी लेके तुम क्या करोगी। चलो मैं तुम्हें अभी सरोजनी मार्केट से नई डायरी खरीद के देती हूं। तू भी इनके साथ। पहले तुम लोग बताओ तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है। हाँ एक सुंदर लड़की देखने की आगे मुंह उठा के छिछोरे की तरह। जुबान संभाल के, को सुंदर लड़की मत कहो। अभी इन लोगों को बताती हूँ तुम लोगों का प्रॉब्लम जानते हो क्या है। तुम सबको अपने जैसा समझते हो। वेरी वेरी काइंड पर्सन। निहायती चोर, भिक मंगे, नल्ले, बेरोजगार, बेकार, फालतू चपरी। भाई तुझे कुछ कह रही है। और तू मोटे, शक्ल तो हाथी जैसी और शरीर सुअर जैसा, और मुझे बड़ा कह रहा है। बस हो गया, हमें भी कोई खुजली नहीं है तेरी मदद करने। चल गोलू। और एक बात, गोलू पे बोलने का हक सिर्फ मेरा है। अरे भाई डायरी बाहर में जाए, मेरे आयस बनने तक तो इस एरिया में देखना। भाई तू सिर्फ बता आयस कैसे बनते हैं। अगर मुझे पता होता मैं खुद ना बन जाता। हाँ भाई बात तो सही है, पढ़ाई से याद आया बहुत भूख लगी है, चल घर जाना पड़ेगा। यश खाना हो चुका है, गोलू को कहो आज हमारे घर से खा के ही जाए। ये भी कोई पूछने की बात है, ये यार नहीं खाएगा। नहीं भाई मम्मी ने कहा है कि मैं बहुत मोटा हो चुका हूँ, इसलिए मैंने डाइटिंग शुरू की है। मतलब तू नहीं खाएगा ना। मम्मी इसका खाना मत निकालना, आज ये नहीं खाएगा। शाही पनीर रसीले चले हुए थे। लेकिन मम्मी ने ये भी कहा था कि बड़े लोगों की बात मानना चाहिए। आज खा ही लेता हूँ, कल से डाइटिंग शुरू करूंगा। मैंने मम्मी के दोनों बातें ही मान ली। मुझे पता था तू ऐसा ही कोई भद्दा मजाक। भाई आंटी को दुख लगेगा सच्ची में। ओह
आंटी का खाना बनाते अच्छा हुआ है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। तू बोलू सबके घर में जाके ये बातें क्यों कहता है? अरे कहा कहता हूँ आंटी, सच बात बताओ आपके हाथ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नहीं बोल रहा है छोड़ दो ना, वैसे ही बहुत मोटा हो चुका है। अरे तेरा खुद कंकाल जैसा शरीर है उसे ज्ञान दे रहा है? ये बॉडी मैंने मेंटेन किया है, मेंटेन। अरे गोलू सच सच बताना, यश पढ़ाई कैसे देता है? आंटी क्या कहूँ, आपका बेटा दो नंबर है, दो नंबर। गोलू एक नंबर होता है। दो नंबर क्यों होगा? नंबर काम जो सारे करता है उस्ताद है इसमें। क्या? मतलब अगले ट्यूशन में दो नंबर लाया पूरे क्लास में। अरे आंटी आपको पता नहीं है टॉपर रजत से भी ज्यादा मार्क्स लाए। गोलू तुझे तो विलन समझ रहा था, तू तो देव मानस। और लो वैसे रजत को कितना मिला? रजत वो तो उस दिन क्लास में आया ही नहीं, क्लास में मैं और यशी थे, हम दोनों में ये दो नंबर। गोलू तुम्हें कितना मिला? आंटी हाफ मिला। कौन सा बड़ा तीर मार दिया? चुपचाप रहे, गोलू से सीख नहीं पाता। 100 का हाफ मतलब 50 मार्क्स उसने लाए है। आंटी आपने गलत सोचा, हीरो और वन का बीच में। रुक अभी तेरी मम्मी को भी फोन करती हूँ। अरे आंटी बुरी मत सर, हमने उस खंडर बिल्डिंग के आजू बाजू रहने वाले लोगों को पूछा लेकिन हमें वहाँ कुछ मिला नहीं सर। लेकिन लकीली पीछे वाले कैमरे से कुछ लोग कैप्चर ले जाते हैं और सर उसमें एक लड़की भी है। सर आपको जानने में और भी ज्यादा हैरानी होगा, वो और कोई नहीं हमारे गर्ल्स स्कूल का प्रिंसिपल का बच्ची जिया है। अब दो बच्चे इन दोनों का पता नहीं लेकिन कपड़े से लग रहा है ये दोनों स्कूल के ही बस से है। बुलाओ इन लोगों को, पूछताछ करनी है।